राजधानी दिल्ली में बीबीसी के ऑफिस में इनकम टैक्स का छापा पड़ा है। आयकर विभाग के अधिकारियों ने बीबीसी ऑफिस को सील कर दिया है। वहां काम करने वाले कर्मचारियों से मोबाइल फोन रखवा लिए गए हैं। सूत्रों से हवाले के मिली खबर से मुताबिक रेड की पूरी प्रक्रिया के दौरान दफ्तर का काम ठप्प पड़ गया है। मालूम हो कि बीबीसी की राजधानी दिल्ली के कनॉट प्लेस में कस्तूरबा गांधी मार्ग पर ऑफिस है, जहां इस पर छापेमारी जारी है। मुंबई में भी बीबीसी के दफ्तर पर छापेमारी की बात सामने आई है। हालांकि रेड के बारे में भी अभी आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन बीबीसी में काम करने वाले कुछ पत्रकारों और उनसे जुड़े कुछ लोगों ने ट्वीट करते हुए छापेमारी की जानकारी दी। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बीबीसी के कर्मचारियों को फोन जब्त कर उन्हें घर जाने को कहा गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यह छापेमारी इंटरनेशनल टैक्स में गड़बड़ी को लेकर की जा रही है। बीजेपी के दफ्तर को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। रेड की सूचना बीबीसी के लंदन स्थित हेडक्वार्टर को दी गई है। मालूम हो कि बीबीसी दुनिया की प्रतिष्ठित और बहुत पुरानी मीडिया संगठन है। भारत सहित दुनिया के लगभग सभी देशों में बीबीसी के दफ्तर है। बीते दिनों बीबीसी ने गुजरात दंगों और प्रधानमंत्री मोदी पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, जिसको लेकर देश भर के कई जगहों पर जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा कि यहां हम अडानी के मामले में जेपीसी की मांग कर रहे हैं और वहां सरकार बीबीसी के पीछे पड़ी हुई है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गुजरात दंगों पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के स्क्रीनिंग को लेकर दिल्ली के जेएनयू जामिया डीयू सहित कई शैक्षणिक संस्थानों में जमकर विवाद हुआ था। प्रशासन इस डॉक्यूमेंट्री को भारत विरोधी बताते हुए स्क्रीनिंग रोकना चाहता था, जबकि कई लोग और छात्र संगठन इसे देखने की मांग पर अड़े थे। सुप्रीम कोर्ट ने ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन बीबीसी पर भारत में पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की तरफ से दायर याचिका में गुजरात दंगों पर डॉक्यूमेंट्री बनाकर भारत को अस्थिर करने की साजिश की एनआईए से जांच की भी मांग की गई है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप इस तरह की राहत कैसे मांग सकते हैं, क्या कोर्ट डॉक्यूमेंट्री पर रोक लगा सकती है।